अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ओमनी एकेडमी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अला ख़ान है और आज जो है हम बेसिकली एक जो हमारा जो सेशन है उसमें आज हम सीखेंगे पढ़ेंगे कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्या होता है और मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट किस तरीके से होती है। यानी कि एक हाईली अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आपको डिज़ाइनिंग करनी हो AWS के ऊपर, तो हाईली अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर आप किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज का जो बेसिकली हमारा जो लैब है वो इन चीज़ों के गिर्द घूमती है, जिसमें हम VPC की सर्विस है जो नेटवर्किंग से रिलेटेड है, जिसको हम वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड कहते हैं, उसको हम यूज़ करेंगे और उसके डिफरेंट फीचर्स को यूज़ करते हुए हम जो है एक हाईली अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। हाँ, ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार कर रहे हैं इसकी हम जो है वो क्या कहना चाहिए कि टेस्टिंग अभी नहीं करेंगे। ज़्यादातर टेस्टिंग के लिए हमें मशीन्स प्रोविजन करनी होती हैं जो कि EC2 इंस्टेंस के थ्रू होती है। तो लेकिन हाँ, बता आज हम ये सब चीज़ें देखेंगे कि साइडर ब्लॉक क्या होता है, वो किस तरह बनाया जाता है, क्या मामलात होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट सबनेट्स क्या होते हैं और दोनों में क्या फ़र्क होता है, वो कहाँ कहाँ एसोसिएट होते हैं, किस जगह पे उनको एसोसिएट करना पड़ता है तो वो कहलाएं कि ये पब्लिक है या ये प्राइवेट है। सही, यानी कि हम सिर्फ अगर मुंह से कह दें कि ये पब्लिक है ये प्राइवेट है तो वो नहीं बन जाता, बल्कि उसको उसके प्रॉपर राउट टेबल में आप जब एसोसिएट करते हैं, उसको अटैच करते हैं, तब वो पता चलता है कि हाँ भाई ये पब्लिक और प्राइवेट सबनेट है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इंटरनेट गेटवे कैसे बनता है, नेट गेटवे कैसे बनता है, इलास्टिक IP क्या होती है, वो कहाँ अटैच होती है, फिर इंटरनेट गेटवे नेट गेटवे को कॉन्फ़िगर करेंगे राउट टेबल के साथ, और फिर एक ओवरव्यू करेंगे, देखेंगे कि हमने आज क्या क्या किया और किस तरीके से किया। तो बहरहाल अब जो है हम अपनी AWS की स्क्रीन की तरफ चलते हैं, AWS की जो वो है हमारे टैब उस पर चलते हैं। यहाँ मैंने अपने AWS का अकाउंट जो है वो लॉगिन किया हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं ये, और AWS मैनेजमेंट कंसोल है यहाँ पर। रिसेंटली विजिटेड सर्विसेज, ये वो सर्विसेज हैं जो मैंने अभी कुछ दिनों में या कुछ टाइम में विज़िट करी हैं AWS की। और यहाँ पे ऑल सर्विसेज में आपको AWS की इस वक्त जितनी भी वो सर्विसेज ऑफर कर रहा है रिलेटेड टू द कंप्यूट, कंटेनर, स्टोरेज, डेटाबेसेस एक्सेट्रा, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक आप देख सकते हैं कि AWS की स्क्रीन है। यहाँ पे आपको रीजन्स नज़र आ रहे होंगे, यानी कि किस रीजन में आपको काम करना है, आप यहाँ से अपना मर्ज़ी का रीजन जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी नीड हो, रिक्वायरमेंट हो, आपकी जॉब आपके क्लाइंट के हिसाब से उसको देखते हुए आप अपना रीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सही, तो बाकी सर्विसेज को आप यहाँ से भी व्यू कर सकते हैं। सही, यहाँ सर्च कर सकते हैं जो भी सर्विस की आपको नीड है, लाइक VPC, तो इस तरीके से आप सर्च करके जा सकते हैं। तो बहरहाल अब हम अपने जो VPC है इसके डैशबोर्ड पे जाते हैं, इसको देखते हैं। ये अभी पेज ओपन हो रहा है। ओके, तो ये VPC का जो है बेसिकली डैशबोर्ड है, उसका मेन पेज है। तो मैं VPC बनाने से पहले मैं आपको इसका विज़र्ड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। VPC बनाने के बेसिकली दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप विज़र्ड के थ्रू एक वन क्लिक के ऊपर आप अपनी पूरी की पूरी VPC तैयार कर सकते हैं जो भी आपकी नीड और रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। दूसरा ये है कि आप जो है ख़ुद से VPC को डिज़ाइन करें। तो पहले हम विज़र्ड को देख लेते हैं, हम बनाएंगे नहीं, बस मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आपको बस जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करना होगा और आपकी VPC एक मिनट के अंदर तैयार हो जाएगी। यानी कि 16 का जो है वो साइडर ब्लॉक होगा और जो सबनेट्स उसके हिसाब से बनेंगे वो 24 के बनेंगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें सिंगल पब्लिक सबनेट, यानी कि अगर आपको अपनी मशीन्स पब्लिक सबनेट के ऊपर रखनी है, यानी कि आप उसको दुनिया भर से ओपन रखना चाहते हैं और पब्लिक पर रखना चाहते हैं, तो आपको ये वाला आर्किटेक्चर यूज़ करना होगा जो कि आपको सामने नज़र आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि हम क्यों प्रेफर नहीं करते डैशबोर्ड से बनाने में और ख़ुद से बनाना क्यों प्रेफर करते हैं। देखें, जब आप डैशबोर्ड से बनाते हैं ना, तो माना कि ये बहुत ईजीएस्ट वे कि एक क्लिक पे आपकी VPC रेडी हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको कुछ चीज़ें सॉर्ट करनी हो
और अपनी बीपीसी में जो है ट्रबल शूटिंग वगैरह करनी हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, आपको आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगी। लेकिन इस कंडीशन में जैसे मेरे मेरा जो आपका अकाउंट बता रहा है, यहाँ पे एक ही बीपीसी बनी हुई है तो यहाँ तो ईजी है, लेकिन कहीं अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं जहाँ पे ऐसा बने के 100 200 या 1000 के करीब बीपीसी बनी हुई है एक रीजन के अंदर, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको अपनी बीपीसी को ढूंढना, उसमें ट्रबल शूटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। हाल बता, एक बीपीसी आपने खुद डिज़ाइन करी होगी तो उसकी चीज़ों को आपने अपने पास सेव रखा होगा, आप इजीली उसको ढूंढ सकते हैं, उसमें ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ पहुँच सकते हैं। तो अभी जो हम वीपीसी बना रहे हैं, जो हमारा आज का जो प्रोजेक्ट है, आज जो हम काम कर रहे हैं, वो बेसिकली इस तकरीबन इस आर्किटेक्चर के ऊपर काम करेगी, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सबनेट्स होंगे और जो है नेट गेटवे के थ्रू उनकी एसोसिएशन होगी, इंटरनेट गेटवे के थ्रू मशीन्स से बाहर का डाटा अंदर लाना और मशीन्स को बाहर लेके जाना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन हम जो काम करने जा रहे हैं वो उससे थोड़ा सा आगे का होगा, जिसमें हम बेसिकली दो डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन, यानी कि आम अल्फाजों में दो डिफरेंट डाटा सेंटर्स के अंदर दो पब्लिक और दो प्राइवेट जो सबनेट्स हैं उनको बनाएंगे, ताकि एक हाई अवेलेबल आर्किटेक्चर बना के हम देखेंगे कि अगर इन द केस एक पूरा डाटा सेंटर डाउन भी हो जाए तो हमारी मशीन दूसरे डाटा सेंटर से प्रोविजन रहे, चलती रहे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने वीपीसी के डैशबोर्ड की तरफ। ओके, तो एक सेकंड, मैं यहाँ पे वीडियो पॉज कर दूँ, नेक्स्ट वीडियो से हम इसको कंटिन्यू करते हैं।